खबर बिहार के नालंदा से है, जहां NH-31 पर ईंट से लदी तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल से जा रहे दो सगे भाइयों को कुचल दिया, जिससे एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा भाई बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित होकर सड़क पर उतर गए और बिहार बख्तियारपुर मुख्य सड़क मार्ग को जमकर बवाल काटा और ट्रैक्टर में तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर पर लदे ईंट को भी सड़क पर फेंक कर विरोध प्रदर्शन किया। घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस टीम पहुंचकर गुस्साए ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। ग्रामीण घटना के पीछे जर्जर सड़क को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि NH की सड़क काफी जर्जर होने के कारण अक्सर इस इलाके में सड़क हादसे होते रहते हैं। कि घटना के समय दो लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे और ट्रैक्टर वाला उसको मतलब धक्का मार के और गाड़ी छोड़ के फरार हो गया और घटना पर ही एक लोग का मृत्यु हो गई और एक लोग अभी सदर अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। यह जानकारी रोड दुर्घटना में हुई मेरा पंचायत के ग्राम सामाबाद के कुंदन कुमार पिता मनोज पांडे, जो अज्ञात वाहन ट्रैक्टर धक्का मार दिया, लापरवाही से चलाते हुए जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। एक घायल है मृत्युंजय कुमार, जो सदर अस्पताल में भर्ती है। सड़क तो जाम नहीं है, मगर पब्लिक का डिमांड है कि उस विधवा को कुछ कल्याण हो सरकार के द्वारा, उसका इंतजार बड़ी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।